इसकी मेमोरी पे मेरे है, जब ये आया था विजिट कर गया था, मैंने उसको कहा था कि सारी बातें तुम उस वक्त सबको बताओ तो फील भी होगा सबको, वो लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। और अभी का जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये एक्सपीरियंस भी उसके साथ हो रहा है, ये पहले तो भाई साउथ अफ्रीका से था, इसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, और इसका जो सिलेक्शन अभी ये वर्किंग कर रहा है सुपर ऑफिस में, वैसे ही सब कुछ अपने आप से बताएगा इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो पहले जिस दिन आया था मुझे उस दिन का याद है, द डे वन वेरी विजिटेड ऑफिस, तो ऐसे डाउट कर रहा था कि कौन से पूछी है, पैसा देने वाली जगह है, कराएं कि नहीं कराएं, कि वो नहीं, वो जो फीलिंग होती है, आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपसे मिलने आया हो और आपको ऐसे देख रहा हो अरे कोई मुझसे पैसा निकालने के लिए तो नहीं बैठा है, मतलब इस फीलिंग के साथ में ये वॉज देर। और अब जब आप कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा तो आप क्या कहोगे उसको, अपनी सफाई दोगे, उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल दोगे, तो भी वही देख रहा होगा, तो भी कहता नहीं नहीं ये तो हमसे पैसा ले लेंगे और ये कर देंगे, ऐसे करके सोच के आया। अच्छा, हर एक के साथ अपने पुराने केस आजकल एक तो हो गए, किसी को फोन में बोल दो कंसल्टेंसी फोन आ रहा है तो पहले तो कंसल्टेंसी समझ करके ही सोचता है कि वो दो चार जगह तो पैसा इधर उधर कर ही चुका होगा ना, नॉर्मल आज का एक पैटर्न बन गया। तो ये जब आया था तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बस मैं कहूँगा या फिर मुझे बताया तो ज़्यादा अच्छा है कि डे वन से भी बहुत लग रहा है। और वैसे भी जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है तो मुझे लगता है मैं उनको मतलब 1.5-2 लाख के पैकेज तक ला सकता हूँ आराम से, और ये मैं आपको करके आगे दिखाऊँगा अच्छी वो अच्छी तरह से होगा, क्योंकि कई जगह पर ऐसी सेक्टर है जहाँ पे किस तरह की डिमांड रहती है, दूसरा वेरी गुड इन इंग्लिश, तो ये अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, फिर मैं उसके बीच में जो उनकी बात बताऊँगा स्पीक क्लियर फीलिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुर है, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरे पास मार्केटिंग का, सेल्स का 8.5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 6.5 ईयर्स इंडिया का है, बाकी 2.5 ईयर्स अब्रॉड में साउथ अफ्रीका। एक्चुअली लास्ट कोविड में मैं इधर आया था, जो स्टार्ट नहीं हुआ था, मैं जनवरी में आया था, और जनवरी में आने के बाद एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, मेरे को जाना ओमान था जॉइन करने के लिए प्रीवियस कंपनी के ही दूसरे ऑफिस में, बट वो लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाया। अब ओमान गवर्नमेंट ने सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए तो मैं यहाँ पर स्टक हो गया, वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी जो वैकेंसी जो मैं छोड़ गया था और मैं ऑलरेडी वहाँ पे एक को हायर करके अपनी प्लेस पे सेट करके उसको सिखा कर आया था, तो वो वीज़ा भी चला गया। अब मैं यहाँ पर आया, लॉकडाउन हो गया, एक साल तो ऐसे ही निकल गया, सबके साथ मेरे घर से किसी न किसी साथ ऐसा हुआ होगा कि लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई, फिर एक साल तक बैठना पड़ा, फिर कोई वैकेंसी मिली नहीं गई, कोई ऑफर भी नहीं आ रहा है, वेट कर रहे हैं, अब कितना वेट करें, सब जगह नॉक करके देख लिया। और मेरे साथ पुराना एक्सपीरियंस क्या था कि मैं कंसल्टेंसी में एक बार पैसा देकर फर्स्ट हुआ, 4,000 रुपये जमा किया और जमा करने के बाद कोई कॉल नहीं, मैंने 2-4 बार वहाँ पे गया, जब पांचवी बार गया तो कंसल्टेंसी ही नहीं, तो ऐसा भी मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने सोचा यार कंसल्टेंसी जब कॉल आया मेरे पास, संस्कार सोसाइटी से एक साल पहले आया था बट मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नहीं यार ये ऐसा ही है। तो फिर क्या हुआ कि जब एक साल के बाद फिर आया तो मैंने कहा कि जाकर देखने में कोई बुराई नहीं, तो कौन मैं अपना, और मैं उस दिन आपको सही बताऊं, मैं आया इधर और मैं सारा बात सुन के चला गया, ये नहीं कि यहाँ पर मैंने आके कोई सबमिट किया, क्योंकि दिमाग की साइकोलॉजी वही थी मेरी कि यार फीसा बेकार हो जाएगा। मैंने सर के पहले के वीडियो देख लिए थे, रिसर्च, मैं मार्केटिंग का हूँ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले ही करके आया, तो सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि अब पैसे, फिर मैंने जब यहाँ से गया पहले तो रास्ते में सोचा 500 रुपये की बात है, अगर एक रिस्क ले सकते हो 500 कोई बड़ी चीज़ नहीं, और 500 रुपये देकर अगर आप किसी को पकड़ रहे हो और तो मतलब ये है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखा दे, ठीक है चलो चलते। फिर मैं आया सर से बात की और जेन्यूनली सर ने मेरे को वही चीज़ बताई कि मैं मतलब अंदर से सोच रहा था, मेरा जो मैं बहुत वाइब्रेंट था, मैं मतलब कि यार परेशान हूँ, 1 साल से 1.5 साल से नौकरी नहीं है, फैमिली भी है, फादर ओल्ड एज हैं, बच्चा भी है, यार घर भी चलाना है और सेविंग्स जा रही है, एक टेंशन है, और मार्केट में जॉब नहीं, नौकरी.com जैसे सारे पोर्टल्स में ट्राई कर चुका क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बड़ा मास्टर रहा। फिर सर ने मेरे को बोला परेशान ना हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से पेशेंस होके जो मैं कह रहा हूँ, तो सर ने मेरे को फर्स्ट डे बोले तुम्हारे मतलब का जॉब है, जॉब सुपर हाउस में मेरे को सर ने इंटरव्यू के
पहले टेलीफोनिक कराया, टेलीफोनिक मेरा अच्छा गया, फिर वो भूल गए, वो भूल गए, तो सर ने, मैंने कहा सर शायद वो भूल गया आप एक बार, मैंने बोला नहीं उनको खुद कॉल करने दो फिर मैं खुश करूँगा। तो लकीली शायद फ़ोन आया, मैंने बोला वो कैंडिडेट मेरे ख्याल से बिजी है, एक बार फ़ोन करके पूछते हैं कि है वैकेंट इनकी, तो सर ने ऐसे उनको घुमा के थोड़ा प्रेशराइज करके मुझे भी खुश कर दिया। तो कहने के बाद तो भी और ऐसा नहीं है कि कम पैकेज, पैकेज वो जो कानपुर में काफ़ी अच्छा है माना जाता है, 32 का है पैकेज तो बुरा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी साइकी एक जैसी होती है, बट वो थोड़ा सा एक जो डिस्टर्बेंस होता है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। और अपने आप को क्या है ना, सर के साथ जुड़ेंगे आपको डेली, सर के साथ ऐसे नहीं होता बचपन में पापा चॉकलेट नहीं दिला रहे, पापा का हाथ पकड़े रहो पीछे रहो, और ऐसा करने से आपको बेनिफिट होगा। आप करो डेली, करो डेली, सर से आओ पूछो सर अब कहाँ जाना, कहाँ जाना, कैसे जाना, कैसे, वो आपको डायरेक्शन देंगे। और वही चीज़ जरूरी होती है यहाँ पे, जो ट्रेनिंग दी जाती है अगर आप वो प्रॉपरली लेंगे ना, तो मैं जो अपने ऑफिस में करता हूँ वो यहाँ पर होती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर सीख लेंगे वहाँ पे काम आपका आसान हो जाएगा। इंटरव्यू देते समय वो यही चीज़ पूछते हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती है। आप सर जो सिखाते हैं, एक्चुअली मेरे को भी कई सारी चीज़ें नहीं आती, बट अब मेरा चूंकि फील्ड अलग है, लेकिन जिसका रिलेटेड फील्ड है उसको तो सीखना कंपलसरी है। और जो सर सिखाते हैं अगर आप 30% भी अब्जॉर्व करेंगे ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका 100% सिलेक्शन है। 30% पे 100% सिलेक्शन आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे वो क्या पूछेंगे, बेसिक्स तो पूछेंगे नहीं, आपसे वो चीज़ पूछेंगे जो आपको नहीं आती हो। और वो यही सिखाते हैं आपको, वो चीज़ जो आपको नहीं आती वो यहाँ सिखाई जा रही है, और वही चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाएगी। इसका मतलब आपका सिलेक्शन आंसर आपको आता है, सिलेक्शन क्या है, दूसरे कैंडिडेट से आपका सिलेक्शन ऊपर हो गया। मतलब कि अगर आप, मतलब आपने दूध को मत दिया, क्रीम ऊपर आ गई है, उनको क्रीम में से सेलेक्ट करना है कि क्रीम क्या उसमें से भी कितना अच्छे क्रीम को निकाले, तो आप ऑलरेडी क्रीम में आ जाओगे, फिर आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप रेगुलरली यहाँ पर आएँ टाइम टू टाइम, और कोई भी सैटरडे का इंटरव्यू सेशन मत मिस करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अभी इस हफ्ते आप जॉबलेस हैं, ऐसे अगर 4 हफ्ते आप जॉबलेस चले, 1 महीना मान लीजिए पहले आपको जॉब मिल जाती है 7-8 हज़ार की, आप पकड़ के आपका माइंड बिजी हो गया, और फिर क्या करना, बिजी माइंड को आप इजीली टैकल कर सकते हो। बट अगर आप वेकेंट होके फ्रस्ट्रेट होके अपना सोचो कि हम कहीं दिमाग लगा लें, तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा नौकरी नहीं, नौकरी नहीं है। और अगर पैसा आने लगेगा तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा ना, आपको मोटिवेट करेगा कि यार और भूख बढ़ेगी। मतलब अभी भी मैं सर से यही बात कर रहा था कि सर मजा नहीं आ रही, तो सर ने बोला फिर अंशु तुमको बोला कि पेशेंस रखो, मैं मतलब कि है लेकिन थोड़ा सा और खींचो। तो मैं समझ गया कि मुझे अभी और थोड़ा सा इसमें से कितना और मैं निकाल सकता हूँ और सीख सकता हूँ, जितना और सीख जाऊँगा मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसे ही आपको भी जॉब फर्स्ट ले लीजिए, फिर उसके साथ 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 अपने आप को मोटिवेट रखिए और सर से जुड़े रखिए, वो आपको बहुत आगे तक जाएगा। ये मैंने इनको एक एग्जाम कर दिया है कि ये अभी करेंगे वहीं पे काम करते हुए भी ये 35 का एक्स्ट्रा और कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी जल्दी से पटे नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए दो चीज़ें करियर की जर्नी में भी देखी जाती है कि वो एक कैंडिडेट को बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल का उसने ज्वाइन किया है, ताकि दूसरी जगह भी और अच्छा आ सकता है इतना, पर जिस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी कम्प्रोमाइज नहीं करना होता। कुछ ऐसी प्रोफाइल होती है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बहुत बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन हमें नीचे नहीं लाना, पैकेज कम हो सकता है बट ऑर्गेनाइजेशन का लेवल नीचे ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन करना है, पैकेज को भी मेंटेन करना है। और साथ ही साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी अर्निंग को, होता क्या है कि जब घर पर कुछ दिक्कतें आती हैं पैसे, तो वो बंदा सोचता है कि हमारी अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, तो वो भी पार्ट हो सकता है। और ये देखना पड़ेगा कि आपका जो टैलेंट है वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों के लिए टिक मार्क है। अगर टैलेंट आपका टिक मार्क है किसी जगह के लिए, तो आप अर्निंग और भी सेपरेट तरीके से बहुत चीज़ों से कर सकते हैं, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाँ, सारे ट्रम कार्ड्स एकदम से हर कैंडिडेट के लिए नहीं खोले जाते, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रम कार्ड किस कैंडिडेट के लिए कब और कहाँ खोला जाएगा,
ये एक मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल है सीखने का, ये जहाँ पे डिस्ट्रस्ट हो, जिस संस्था को आदमी अपने पुराने परसेप्शन से देख रहा हो और एकदम से वो चेंज होकर के उस संस्था में लगने की बात कर रहा हो, मतलब एक बात समझने की है कि आप दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी और गाजियाबाद में जो आप कंसल्टेंसीज इन्वायरमेंट देखते हैं उसी को लेकर मत चलिए। बट इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, सीखने के लिए आना, इंटरव्यूज के लिए आना, खुद फॉलोअप करा लेना। हम नहीं बोल रहे कैंडिडेट से, हम तो कैंडिडेट से कह रहे हैं मैसेज करो, खुद फॉलोअप कराओ, खुद बात करो कि किस कंपनी में क्या रह गया है, क्योंकि अब ये टास्क 24 डेज में हम लोग अकेले नहीं ले सकते। अभी याद है कि आपसे जब मेरी बात हुई थी आपने मुझे अपने भतीजे की बात कही थी, याद है? मैंने उसको ऐसे सुना था, मैंने कहा भतीजा कर नहीं रहा है, अभी मोनी चाय में काम कर रहा है, ठीक है, मोनी में ना जी, तो अब आपके भतीजे को मैंने फ़ोन पे ही सुनाया था, उनका तुम्हारे चाचा तुमको परेशान कर परेशान है और वो तुमको कर रहा है, तुम सुधर नहीं रहे। जब मैंने उसको इसको सुनाया उसको, आपने मुझे भी कहा था, आपको मैंने कि कुछ दिन पहले कहा था आप सुधर नहीं रहे हो, आपको आप अभी तब सुधरोगे जब वहाँ से आपको कुछ मिलेगा, आप अभी समझ नहीं रहे हो। तो चलिए आपने निर्णय ले लिया, अब उसको भी मैंने जब उन्होंने कहा मैंने उसको बोला तो वो बंदा भी पहले एक दो में किस तारीख को सरकार सर मुझे नाराज भी हो गए थे। एक्चुअली आपकी प्रोफाइल मुझे सही लग रही थी, दो चार के सामने प्रोफाइल आ रही थी और नाम पड़ जाता था आपके सामने, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये अब क्या है, हमको खराब कहें अच्छा कहें, अब मुझे तो लगा प्रोफाइल सही है, थोड़ी देर में खराब सर नाराज था। जो हमारी फर्म ग्लोबल आप एक अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं चाह रहा था किसी तरीके से गाड़ी चल जाए, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं चलेगी, इसी को बोलते हैं कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन का जो आदि है ना यूपी और फैमिली वाला और मिडिल क्लास वाला, समस्या यही वर्ड है कंफर्ट जोन। हम एक आदि है सिस्टम के, जैसे सिस्टम बनता है हम उस सिस्टम पे कंफर्ट करके बहुत चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे उस कंपनी ने काफी मतलब मेरे की जब कोरोना हुआ था अप्रैल में पिछले, हाँ, उसी से दो महीने में, दो महीने में उसने मतलब मैं एक भी दिन नहीं आया था और पूरा पूरा उन्होंने सपोर्ट किया था। अच्छा मैं कभी किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोलता, एक बार बहुत गौर करिएगा, आई नेवर सेड एनीबॉडी टू लीव द ऑप्शन, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ उनसे इतनी बात कहता हूँ कि आप करते हुए अपने ऑप्शन देखिए, जब आपके अंदर ताकत आ जाए तो आप चले जाइए, इतनी क्या बात है। मैं हमेशा एडवाइस ये कर रहा हूँ, इस एडवाइस के साथ में लोग काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर अपनी इंग्लिश बोल करके दिखाओ उनको, एटलीस्ट यू स्पीक, मतलब लोग समझेंगे वॉट काइंड ऑफ इंग्लिश आई एम लुकिंग फॉर। इस इंग्लिश में पैकेज हम 50 ला सकते हो, 60 ला सकते हो, जितने भी इंग्लिश वाले होंगे उनसे 50-60 लेंगे, ताकि फर्स्ट स्ट्रोक में दो तीन मिनट आ जाएगा। सर सर इसको कट करके इनका इंग्लिश का एक बना दीजिए ना।